रिहाइश जिसकी मनुष्य को ज्यादा जरूरत होती है, रिहाइश के लिए चंद गज का मकान भी काफी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे से जमीनी विवाद को लेकर खून खराबे पर उतर आते हैं। आइए जानते हैं गोरियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर कैसे गूंज उठी काशी। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत मड़वा गांव में मंगलवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने दिव्यांग पान विक्रेता जो कि 30 वर्ष का था दिलीप पटेल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फायरिंग में पान विक्रेता की गुमटी के साथ समीप खड़ा अजीम भी घायल हुआ है। वारदात को लेकर ग्रामीणों में व्याप्त भारी आक्रोश को देखते हुए 6 थानों की फोर्स और PSC तैनात की गई। वही मौके पर क्राइम ब्रांच प्रभारी विक्रम सिंह और SP सिटी दिनेश कुमार सिंह पहुंचे। मड़वा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार हेलमेट पहने दो बदमाश किसी को पूछते हुए दिलीप की पान की गुमटी पर आए। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वारदात की जानकारी पाकर 5 थानों की फोर्स के साथ SSP आनंद कुलकर्णी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच से क्षेत्र की घेराबंदी कराकर संदिग्धों से पूछताछ कराई जा रही है। पुलिस वारदात की वजह से जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को मानकर तफ्तीश कर रही है। कत्ल, अगवा या डकैती की जितनी वारदातें पेश आती हैं, उसमें ज्यादातर पुलिस के गफलत का दखल होता है। जब तक कि हम पुलिस को तफ्तीश के जरिए तरीके से वजीफ नहीं करते, तब तक जुर्म की तादाद में कमी नहीं हो सकती। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। पान की दुकान पर सुरती देने रहे थे। क्या नाम है आपका? अजीम नाम है सर। ये कैसे लगा है गोली? कैसे लगा है? वो हम जैसे पान की दुकान है सर, उधर से 2-3 आदमी आया और गोली चलाना चालू कर दिया दुकान पर। अच्छा, हम लोग कौन थे? वो लोग कौन है? पता नहीं था। मुंह सर बांध के आए। नमस्ते। मजदूरी का काम करता है और इसमें अभी तक जो बात संज्ञान में आ रही है कि ये इनका आपसी कुछ रंजिश पहले थी, जो पहले कुछ दिन पहले एक प्रधान के अपहरण की भी घटना हुई थी, उसी संबंध में इनके द्वारा आपसी रंजिश में ही ये घटना किया जाना सामने आ रहा है। अभी परिवार वालों से रिटर्न एप्लीकेशन FIR संबंधी प्राप्त नहीं हुआ है। FIR दर्ज की जाएगी उनके तहरीर के आधार पर और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। NSA गैंगस्टर जो भी अब इसमें प्रिवेंटिव सेक्शन से वो लगा के इनमें एक संदेश जाए, इस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ प्रभावी रूप से की जाए। सर, पता चला कि गोली मारने वाला कौन था? अभी तक जो जानकारी हुई है उसमें झुन्ना पंडित का नाम इसमें आ रहा है, झुन्ना पंडित और रवि पटेल का नाम इसमें आ रहा है। अभी ये प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ, अभी तहरीर जो प्राप्त हो दिया जाएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई। अगस्त को जो घटना हुई थी उस संबंध में जो प्रोटेक्शन दिया था वो प्रधान को प्रोटेक्शन दिया था, ये उससे परिचित है, उसको जानते हैं, ये उसके साथ काम करते थे, तो इस संबंध में हम लोग आज जांच करके और कार्रवाई करेंगे। सूरत स्थित तेरापंथ भवन में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का आयोजन किया गया। तेरापंथ यूथ परिषद के अध्यक्ष प्रकाश झाजर से बात की गई और उन्होंने पर्युषण पर्व के बारे में जानकारी दी। सूरत से हमारे संवाददाता इकराम अली की रिपोर्ट। मैं भगवान का जीवन थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। जैन धर्म का महापर्व समश्री महापर्व आज है और तेरापन समाज का आज सामूहिक समाज याचना पर यहाँ पे आयोजित हो रहा है। हमारे आचार्य शांतिदूत आचार्य श्री महासमन जी के आज्ञानुवर्ती उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी के सानिध्य में यहाँ पे
चतुर्मास जो चल रहा है उसमें आपकी प्रेरणा से बड़े बड़े तप यहाँ पे हो रहे हैं। आज भी एक बहन के 52 दिन की तपस्या है, 52 दिन हो गए उनको आहार लिए हुए है, वो भी दिन में पानी और रात में पानी भी नहीं। और इसी तरह से 30 दिन की तपस्या को हमारे मास खमण की तपस्या बोलते हैं, वो लगभग 15 मास खमण आज संपन्न हो चुके हैं। और कल जो तपस्याएँ हुई यहाँ पे लगभग 200 जनों ने यहाँ पे 8 दिन के ऊपर की तपस्या, जिसमें 8, 10, 15, 30 दिन तक लगभग 200 जनों ने, भाइयों और बहनों ने पचकांड किया। और आज शाम को सामूहिक प्रतिक्रमण होगा यहाँ पे, और उसमें लगभग 4000 से 5000 लोग यहाँ पे सामूहिक प्रतिक्रमण करेंगे। और वर्ष भर में जो हमारे द्वारा एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे द्वारा जो गलतियाँ हुई है उसका सभी सामूहिक उसका पश्चाताप करके आपस में मिच्छामि दुक्कड़म खमत कामना करेंगे। और आज लगभग यहाँ पे जो भी उपस्थित है श्रावक समाज पूरा, उन सभी के लगभग आज उपवास रहेगा, लगभग 90% लोगों के आज उपवास रहेंगे। और मुनिश्री कमल कुमार जी की प्रेरणा से यहाँ पे तप का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, और आपकी प्रेरणा से मुनिश्री बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। आज भी सुबह 4 बजे से यहाँ से व्याख्यान शुरू हो गया था और लगभग शाम को 4 बजे तक व्याख्यान चलेगा, और लगभग नॉन स्टॉप आप सभी यहाँ पे आके लगभग देख ही रहे हैं 2 घंटे से। आपको भी आके हो गया है, मुनिश्री का लगभग व्याख्यान चालू है और शाम को 4 बजे तक चलेगा। आप लोगों का तेरा पंथ युवक परिषद सूरत अध्यक्ष प्रकाश जी छाजेड़, मंत्री सुनील श्रीमाल, आप मीडिया सभी प्रभारी का खूब खूब तेरापन समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आपका खूब खूब आभार आप यहाँ पे पधारे। और जय जय ज्योति चरण, जय जय। मेरा नाम प्रकाश छाजेड़ है, मैं तेरापन युवक परिषद का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ हमारे को त्याग और तप की भावना हमारे साधु संत हमको सिखाते हैं। हमारे आचार्य महासमण जी का एक ही संदेश है, आचार्य महासमण जी के 3 ही संदेश है, नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता। हमारे आचार्य हमको यही सिखाते हैं कि हमें ये 3 लक्ष्य हर इंसान को अपने जीवन में निभाना चाहिए, जिससे एक शुद्ध वातावरण हमारे समाज में और हमारे देश में बना रहे। हमारे आचार्य महासमण जी का पूरे देश भर में एक ही ये 3 संदेश पूरे देश भर में छाए हुए। आज के दिन हम जितने भी जैन हैं वो सब आज के दिन उपवास करते हैं। लगभग 90% या 95% लोग आज के दिन हम उपवास करते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। आज के दिन हमारा मेन लक्ष्य त्याग और तप और ध्यान में हम लोग रहते हैं। मानवीय सहायता का जो हरियाणा के अंबाला छावनी पर रेलवे प्लेटफॉर्म लिफ्ट और दुखेड़ी रेलवे स्टेशन पर यात्री प्लेटफॉर्म शेल्टर व अंबाला शहर पर द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय का शुभारंभ जल शक्ति सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्रालय भारत सरकार रतन लाल कटारिया व विधायक असम गोयल अंबाला शहर की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। हरियाणा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय विधायक अंबाला शहर श्री असम गोयल जी, मंडल बैंक प्रबंधक श्री विनय चंद्र शर्मा जी, और दो बार लगातार यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, काफी कुछ तरक्की मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए यहाँ पर बार बार आके मैं तो अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ, और आज की जो यहाँ पर ये जो विकास के 4 काम हुए हैं, काम चाहे छोटे हों लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। लिफ्ट जो है वो भी यहाँ पर लाखों लोगों के काम आती है, और सौंदर्यकरण जो है इको फ्रेंडली किसी वातावरण को बनाना आज के युग में तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य है। मुखेड़ी के रेलवे प्लेटफार्म के ऊपर जिस तरह का विकास कार्य हुआ है, और आज तो मुझे
असीम गोयल जी भी थोड़ा गदगद नजर आ रहे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन के ऊपर भी उनके समय में कम से कम कुछ विकास का काम देखने को मिला है। और मैंने अभी बोलते हुए भी कहा है, मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अम्बाड़ा छावनी का रेलवे स्टेशन जो है वो विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बने। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पेरिस गए थे और फ्रांस के साथ जो मिलकर एक MOU साइन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके बारे में मैं अपना पूरा जोर जो है प्रयत्न उसका मैं लगाऊंगा। और इस तरीके से यात्रियों की सुविधाएं बढ़ें उसको लेकर मैं चिंतित भी रहता हूं, और जब उस दिशा में कार्रवाई होती है तो अपना मुझे बहुत आनंद भी आता है। और मैं देख रहा हूं कि जब से आदरणीय दिनेश जी आए ये हर रोज कोई नए प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर जो है कार्य करते रहते हैं और नए नए इनिशिएटिव लेते रहते हैं, और आने वाले समय में भी हम सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र में और नए इनिशिएटिव लें। क्या कुछ योगदान रहा आपकी तरफ से आज? आज तो देखिए अब एक गलतफहमी सी भी है लोगों के बीच में कि मंत्री बनने से शायद करोड़ में मांडने की कोई पावर आ जाती है। सच्चाई तो ये है कि मंत्री बनने से जो है एक नए पैसे की भी ग्रांट देने की पावर नहीं है, उल्टा जो एक महीने में चार मीटिंग एक अस्सी थी TATA बना करता था वो विफल हो गया। मंत्री के रूम में तो आपको मान सम्मान है, सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है, तो इस किस्म की तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो कोई ग्रांट्स बांटने का कोई अधिकार नहीं है वही 5 करोड़ रुपए हैं, और उनको धीरे धीरे करके सारी लोकसभा के अंदर वितरित करना पड़ता है। और आज दोनों स्थानों के लिए मैंने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है, और आदरणीय डी आर एम सर बता देंगे कि यहाँ क्या करना और 5 लाख का वहाँ पर क्या करना। देखिए ऐसा है राजकुमार जी, आप हमेशा मुझे ही फंसाने की कोशिश करते हो। मुंह बंद है, मैं इस सरकार में केंद्र का मंत्री हूँ। SYL को लेकर हमने अपनी विधानसभाओं से इस्तीफे दिए, SYL को लेकर 1987 में हमने लड़ाई लड़ी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पक्ष की बड़ी मजबूती से देख भाल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार हरियाणा के हितों को ठीक ठहराया है, और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से डायरेक्शन दी है। आज भी सुनवाई थी मुझे, उसका पता नहीं क्योंकि मैं सवेरे से व्यस्त हूँ, और मैं इस मामले पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि एकदम बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूं, और जब मैं बोलूंगा तो आपको पता ही है कि जो वास्तविकता है अगर आप सच्चाई को बोलेंगे भी तब भी दूसरे पक्ष को ये मौका मिल सकता है कि ये अपनी मंत्री होने की स्थिति का हरियाणा के पक्ष में गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं तो इस मामले में कटारी जल संरक्षण को लेकर क्या नए मुकाम बन रहे हैं? जल संरक्षण को लेकर देखिए भारतवर्ष के अंदर दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन हमारे हिस्से में केवल 4% दुनिया का पानी आता है, और वो भी 3% खारा पानी है, 1% बचता है ड्रिंकिंग वाटर, और उसमें भी 80% पानी जो है वो खेती बाड़ी को चला जाता है, मुख्य तौर से गन्ना गेहूँ और धान, ये तीनों फसलें सारा ड्रिंकिंग वाटर जो है ले जाती हैं। 7% इंडस्ट्री को चला जाता है, और हमारे लिए केवल 0.13% पानी बचता है, और जो पानी आता है उसमें से हम सारे पानी में से 8% वाटर को ही जो है वो
संचय कर पाते हैं। और जब तक हम इस वाटर को काफी मात्रा में संचय नहीं करेंगे तो भारत जो है वो एक जल संकट के अंदर फंसा रहेगा। हमारे इस हरियाणा प्रदेश और पंजाब तो पहले से ही डार्क एरिया के अंतर्गत है और यहाँ पर भूमि का पानी निकाल निकाल कर भी यहाँ की धरती का कचुंबर काट दिया गया है। और आज यहाँ पर अवस्था है कि जैसे यमुना में पहली बार 100 साल के बाद 8.25 लाख क्यूसिक पानी आया और जो बैराज है उसके ऊपर से भी पानी जाने लगा, खतरे के निशान से ऊपर चला गया। उसके गेट खोलने पड़े, पानी के गेट खोल दिए, वो पानी दिल्ली को फ्लड में लाते हुए बाहर निकल गया और जाके ब्रह्मपुत्र में अंदर कहीं जाके टकराया होगा और जाके समुद्र के अंदर मिल गया। हमारे तो काम एक लीटर भी नहीं आया। तो अब बातचीत चल रही है कि जो इंटरलिंकिंग राइवर का जो प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा है उसमें हमने 30 नदियों को चिन्हित किया है कि अगर ये आपस में मिल जाए तो भारत का जल संकट जो है वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकता है। और उसके लिए अभी तक की जो प्रोग्रेस है लेटेस्ट उसमें ये है कि 4 प्रोजेक्ट्स की DPR बन चुकी है और एक प्रोजेक्ट के हम बहुत नज़दीक लगे हैं, उसका नाम है कैन बेतवा प्रोजेक्ट, वो उत्तर प्रदेश और हमारा मध्य प्रदेश के बीच का वो प्रोजेक्ट है और उसका फर्स्ट फेज सेकंड फेज वो सारा पूरा हो चुका है और उसमें बहुत जल्दी हो सकता है हम कामयाब हो जाए और पहला रिजल्ट जो है वो इंटरलिंकिंग अराइवल का जो है वो मिले। अब हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंसिस चल रही हैं सारे देश के अंदर। आज भी मैं चंडीगढ़ के अंदर 7 राज्यों की अपनी एक रीजनल कॉन्फ्रेंसिस लेकर आया हूँ और उसके अंदर हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर पंचायत लेवल पर, अर्बन स्टेट बॉडी के लेवल पर सभी NGOs मिलकर सारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण पानी बचाने को लेकर अभियान को चलाएं ताकि हम जो जल जीवन मिशन जो है जो हमने छेड़ा है इसके अंदर हम 80,000 करोड़ रुपया पहले से ही हमने ईयर मार्क किया है और पिछले 3 सालों में 23,000 करोड़ रुपया हमने जल जीवन मिशन के ऊपर खर्च भी किया है। और अभी लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जल जीवन मिशन के लिए किया जाएगा, उसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे। तो इस स्थिति से हम सोच रहे हैं कि इस समस्या का समाधान। कटारी सतलुज का पानी पाकिस्तान को जा रहा है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे कि पानी भारत को मिल सके बजाय पाकिस्तान। देखिए ऐसा है, जो इंडस वैली का जो MOU भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ है उसके अंतर्गत ये है कि 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी भारतवर्ष को आएगा। लेकिन हमने 70 साल की आज़ादी में आज तक एक ड्रॉप भी जो है उस 20% पानी में से आज तक हमने नहीं ली है। और पाकिस्तान जिस तरह से हमें गिदड़ भमकी देता रहता है, इन कर देंगे, वो कर देंगे, परमाणु छोड़ देंगे, यहाँ पर जो है चिड़िया नहीं फहराएगी, फलाने नहीं फहराएंगे, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ऐसी बकवासबाजी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि वो जो 20% हमारा पानी है अब उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं। और अंदर ही अंदर वो सारा खाका भी तैयार हो रहा है कि अगर इमरजेंसी में कभी इस प्रकार का कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो हम उठाएं। कटारी जी, यमुनानगर में आपने नई नदी बनाने की घोषणा की, किस तरह से बना पाएंगे और कहाँ कहाँ जाए? देखिए ऐसा है कि मैं वो तो कल्पना ही कर रहा हूँ कि 7.5 लाख क्यूसिक पानी आया, 1 लीटर इस्तेमाल नहीं कर सके तो क्यों ना अपने मंत्रालय में बैठ के इस बात के ऊपर विचार किया जाए कि इस पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट ही कर दो, एक कोई बराबर में से नहर काट के कम से कम जो है हमारे जो पंजाब हरियाणा राजस्थान इसको कम से कम पानी मिल जाएगा तो क्यों ना
दूसरे राज्य है तेलंगाना है, अपने पैसे से 70,000 करोड़ रुपया करके अपने राज्य के लोगों को पानी देने के लिए काम कर रहा है। और जो हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना है उसमें जो ड्राइवर है उसके ऊपर जो है पानी को लिफ्ट करके से ऐसी कोशिशें हो रही हैं पानी को लिफ्ट करके जो है कृष्णा नदी के अंदर डाला जाए ताकि यहाँ सरप्लस है सरप्लस वाटर को डेफिसिट एरिया की ओर बढ़ाया जाए। ऐसे कदम हमारा मंत्रालय लेकिन अगर आप नदियां बनाने की बात कर रहे हो दातुपुर नरवी नहर बंद करने की क्या जरूरत है आपकी सरकार? देखिए ऐसा है उसके टेक्निकल रीजन थे, उसकी बनावट में कहीं टेक्निकल खामी आई होंगी हमारे से तो पहले की बात है। जब पानी चढ़ता ही नहीं था तो क्या करते उसका बैंक मारता था, तो ऐसे सोने का क्या करना जो कन्नों को कटेगा। कटारा जी आपकी वो यमुनानगर नारायणगढ़ चंडीगढ़ रेल लाइन का क्या बना? देखिए ऐसा है मुझे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि 8-10 दिन के अंदर उसकी DPR तैयार हो जाएगी और मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार रेलवे मंत्री जी के भी संपर्क में हूँ और जो नीति आयोग में जो CEO बैठे हैं उनसे भी मेरी 2-3 बार बातचीत हुई है और अब ऑफिस में बकायदा मेमोरेंडम के माध्यम से जाकर मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन ये 30 साल की जो बात है वो सारी के सारी आप मीडिया वालों से मेरी प्रार्थना है कि ये सारा मेरे गले में ना पाया करो। एक आदमी जो कोशिश कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसकी जो है ना ऐसी मोटी कूट के रख दो, ये तो अच्छी है कि नहर वो नहीं जी नहीं अब तो केंद्र में मंत्री हैं जी, अब तो ज्यादा चलती होगी आप केंद्र में। लेकिन आपके कार्यकर्ता रतन लाल कटारिया में कोई मैं जितना भी इतना वो कहीं पर भी कोई सारे उसमें से कोई कह दे तो जो मेरे पास पोजीशन है जो मेरे पास पावर है उसका मैं अपने क्षेत्र के लिए ही भले के लिए उपयोग करूंगा, नहीं तो मेरा फिर क्या बैठने का फायदा अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी तो अपनी होप संभालने के बाद हमने पहली बार इस तरह का कोई बड़ा काम अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन में होता हुआ देखा है। अब इसमें हमारे अधिकारीगण जो हैं TRM साहब TRM साहब सबका इनका बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि अंबाला सिटी जो है उत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सिटी है और समय समय पर हमने उसके मुद्दे बार बार अपनी कार्य के माध्यम से कुछ कोई उठाए और इसमें एक मीटिंग का हमारा लॉन्च बना है एरिया बनाया है बिल्कुल वहाँ पहले जाके देखते कुछ भी नहीं था, आज एक अच्छा सुंदर बिल्डिंग लॉन्च वहाँ बना है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इसकी प्लेटफॉर्म के एक्सटेंशन के लिए भी कोई हरियाणा वाला ट्रैक है उसके एक्सटेंशन की भी कोई बात चल रही है और इसमें हमने कुछ डिमांड और भी दी हैं। अभी मैं इसलिए बयान कर रहा था जैसे TRM साहब को इतने साथ लेकर इस आचार संहिता के लगने से पहले हम अपने जितने भी इशू हैं रेलवे स्टेशन के वो कटारिया जी और TRM साहब के माध्यम से जो है हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर ताकि वहाँ पर भी सुविधाएँ उसके कुछ रेल गाड़ियों का स्टॉपेज है क्योंकि तो बड़ा व्यापारी का फुटफॉल है वहाँ पर कपड़ा मार्केट है ना। लेकिन ठीक है टेंट बड़ा जंक्शन है जितना TRM साहब ने बताया बहुत पुराना और बड़ा जंक्शन है तो यहाँ सुविधाएँ टेंट में उस हिसाब से होनी चाहिए। और एक हमारे लिए भी खुशी की बात है कि फ्रेंच कंपनी यहाँ पर मुझे लग रहा है जो पूरे भारत के 10 रेलवे स्टेशन बनेंगे उनमें से हमारे अंबाला कैंट का रेलवे स्टेशन भी आया है और साथ साथ अंबाला सिटी के अंदर भी जो बेसिक सुविधाएं हैं बढ़नी चाहिए इसके लिए हमारा प्रयास है। थैंक यू भूपेंद्र सिंह गुप्ता जी चाहे कांग्रेस में रह ले चाहे नई पार्टी बना ले सबका काम हो लिया, जितने भी विपक्षी दल हैं सबका सुपड़ा साफ है, 100 मील में कोई दाना नहीं है, चाहे कोई महागठबंधन बना ले चाहे कोई अपने कुंड बेना दोबारा से गले लगा ले 24 से लेके 30 तक किसी की दाल करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल हैट्रिक नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा लगातार हमारा राज 25 साल तक चलने वाला है, इसलिए सब लोग जो है अपनी चाहे पार्टियाँ बनाए चाहे अपने कुंड पे को जोड़े वो फ्री है इस काम।
अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या हुड्डा, अगर बीजेपी में आते हैं भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही ओवर बुलेटिन हो रही। ये सभी के समाचार, जा रही आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण अभियंता विभाग शाहजहांपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक प्रमुख विकास खंड सिंधौली शाहजहांपुर से सुनीता यादव, पति फिरोज सिंह उर्फ कल्लू व प्रधान ग्राम मोर्चा अरुण दीक्षित व पूर्व प्रधान राकेश यादव ग्राम सैजना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद का फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। आजमगढ़ के देवगांव में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आरटीओ ऑफिसर संतोष सिंह ने बताया कि जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की गई। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका, शुभ नाम क्या है? राघवन प्रताप सिंह सर। हाँ बताइए सर, आपका नाम? संतोष सिंह। अच्छा, कितनी चलान काटे हैं आज? अभी तो हम लोग निकले हैं, 3 चलान हुआ है। अच्छा, इसमें क्या कमियां पाई गई ट्रक में? ट्रक में वही हम लोग चेक करते हैं कि आरसी पेपर है। जी जी जी, इसमें क्या कमियां पाई गई, ओवरलोडिंग? अभी तो ये इशू के हैं प्रस्तुत करने के लिए तो जी चेक करने के। अच्छा अच्छा, अभी पहला काटा? हाँ, जी अभी तो निकले, अभी तो स्थाई है। अच्छा अच्छा, कब से इधर है देवगांव और इधर ये रोज चलेगी चेकिंग अभियान की, मतलब आज ही है? हम लोगों का तो रूटीन चेकिंग है। जी जी, शासन से किसके आदेश पे हो रहा है? हम लोगों का तो रूटीन काम है। जी जी, और कभी कभी जो परिवहन आयुक्त के यहाँ से अगर अभियान लग जाता है जी, जैसे कल और परसों जी हेलमेट और सीट बेल्ट का अभियान है। जी जी, तो कल हेलमेट और सीट बेल्ट का, किस किस चीज पे हो रहा है चेकिंग? ये सारी सारी गाड़ियों पर, बाइक से लेके और ट्रक तक। जी, अच्छा, बाइक की बताई है चेक करने के लिए? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी मड़वाड़ी थाना अंतर्गत चांदपुर चौराहे के समीप एचपी कंपनी का प्रिंटर, टोनर, कॉटेज, नकली सामान की बिक्री करने वाले दुकानदार विजय नारायण सिंह को पुलिस हिरासत में लिया गया। वह एचपी कंपनी के 18 पीस भी प्रिंटर, टोनर, कॉटेज बरामद किया गया, जिसकी कीमत मार्केट में 1,00,000 के आसपास है। दिल्ली से एचपी कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपर्ट समीर शाह ने सर्वे की जानकारी के अनुसार मड़वाड़ी थाना अध्यक्ष व फोर्स के साथ छापेमारी की। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की खास रिपोर्ट। चांदपुर में आज दिन में एचपी कंपनी के दिल्ली से लोग आए थे, संपर्क किया कि चांदपुर के पास एक फोटो स्टेट स्टेशनरी की दुकान है जहां पे एचपी के नकली उत्पाद बिक्री किए जा रहे हैं। इसी सूचना पे एचपी कंपनी कार्टेज लगभग 17 अब मार्केट में तो ये एचपी कंपनी के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जो प्रिंट है उसमें 5200 या 5300 प्रिंट है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मेरा नाम समीर साहू है, मैं एचपी का प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। बनारस में क्या बनारस में मैं कोई मार्केट सर्वे के लिए, वो उसमें खबर मिला था बहुत दिन से कुछ मार्केट में कुछ मतलब ये एचपी का जो डुप्लीकेट टोनर कार्टेज सेल हो रहा है, तो उसी के अगेंस्ट में मैं आज आया था ये मड़वाड़ी थाने में। तो इसके बाद यहाँ से कार्रवाई हुआ, बाद बाकी मार्केट में तो इसका बहुत ज़्यादा ही कीमत है, एक पीस का इसका कीमत है 4,000 से लेकर 5,000 तक इसका कीमत है। और ये जो डुप्लीकेटर है जो सेल करता था वो हार्डली 2-3 हज़ार में ऐसा सेल करता था कस्टमर को, और पब्लिक को, लोकल पर भी पब्लिक को सर सेल करता था, फुल ओरिजिनल बोल के सेल करता था। जो सामान बरामद हुआ है सर, वो सामान लगभग कितना कीमत होगा? पूरे सामान का लगभग 1,00,000 के आसपास होगा।
ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।